हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ फाची टॉक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओरेकल के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइडेड फ्री कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे आप कंप्लीट कर सकते हो एंड ओरेकल प्लेटफॉर्म की तरफ से फ्री सर्टिफिकेट ले सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको जो कोर्सेज बताने वाला हूँ वो पीएल एसक्यूएल एंड एसक्यूएल पर बेस्ड होने वाले। टोटल आपको 7 कोर्सेज बताने वाला हूँ। सभी कोर्सेज को आप कंप्लीट करके फ्री सर्टिफिकेट ले सकते हो, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। दोस्तों अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके लिए कोर्सेज बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। अगर आप अपना फ्यूचर डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस में बनाना चाहते हो तो आपके लिए डाटा बेस एसक्यूएल एंड पीएल एसक्यूएल जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके पास पीएल एसक्यूएल का अच्छा नॉलेज है एंड ओरेकल का ये सर्टिफिकेट है तो आप इसे अपने रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हो। इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपके रिज्यूमे में पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आप इन कोर्सेज में कैसे फ्री में एनरोल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप क्या प्रोसीजर होने वाली है, कैसे आप इसका फ्री सर्टिफिकेट ले सकते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मैं अपने चैनल पे लेटेस्ट इंटर्नशिप फ्री कोर्सेज के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ओरेकल की फ्री वेबसाइट है। ओरेकल एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोर्सेज देखने मिल जाते हैं, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहला कोर्स आ जाता है हमारा डाटा बेसिस फॉर डेवलपर्स फाउंडेशन। तो ये जो कोर्स आने वाला है, पहला जो कोर्स आ जाता है हमारे लिए, ये बिगनर के लिए कोर्स आने वाला है। यहाँ पे आपको फाउंडेशन देखने मिल जाता है। तो ये जो कोर्स है बिगनर के लिए, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है इस डाटाबेस के बारे में, वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, इसके बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर की डिटेल्स देखने मिल जाती है एंड ऑन डिमांड स्टार्ट होने वाला है। आप जब क्लास लेना चाहते हैं, जब से स्टार्ट करना चाहते हैं कोर्स, इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं बिगनर लेवल का ये कोर्स होने वाला है। यहाँ पर आपको वीडियोस दिए जाएंगे, इंटरेक्टिव एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको क्विजेस भी होने वाला है, जिससे आपको इनोवेशन का आइडिया मिलते रहेगा। दोस्तों देख सकते हो 12 पार्ट बूट कैंप होने वाला है यहाँ पे, टोटली फ्री होने वाला है। सबसे पहले आपको ओरेकल पे फ्री अकाउंट क्रिएट करना होगा दोस्तों, वो भी हम आगे की इस वीडियो में देखने वाले। पहले इसकी और भी ज्यादा डिटेल्स देख लेते हैं। अभी सेकंड कोर्स आ जाता है हमारा डाटाबेस फॉर डेवलपर्स नेक्स्ट लेवल। तो अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, अगर आपको बेसिक्स आता है, तो आप इस लेवल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो पहले आप इसमें एनरोल कीजिए, फिर सेकंड कोर्स इसके बाद ये कीजिए। फिर थर्ड आ जाता है डाटाबेसेस फॉर डेवलपर परफॉर्मेंस। तो ये भी इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स आ जाता है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, इसकी सभी डिटेल्स आपको देखने मिल जाती है। फिर फोर्थ कोर्स आ जाता है हमारा गेट स्टार्टेड विद पीएल एसक्यूएल टेबल फंक्शन। तो अगर आप पीएल एसक्यूएल के टेबल फंक्शंस के बारे में सीखना चाहते हो तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। फिर फिफ्थ कोर्स आ जाता है एनालिटिक्स एसक्यूएल फॉर डेवलपर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एनालिटिक्स के बारे में सीखना चाहते हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आप डिफिकल्टी लेवल देख सकते हो, इंटरमीडिएट टू एडवांस, उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। फिर सेकंड लास्ट कोर्स आ जाता है 9 गुड टू नोज फॉर पीएल एसक्यूएल एरर मैनेजमेंट। तो पीएल एसक्यूएल के जो एरर मैनेजमेंट है उसके रिलेटेड एक कोर्स आ जाता है, बिगनर लेवल का एक कोर्स होने वाला है। अब लास्ट कोर्स आ जाता है हमारा क्रूड ऑपरेशन इंक्लूडिंग सेक्स और ओरेकल एंड पाइथन। तो ये कोर्स आ जाता है बिगनर लेवल का भी, ये आपके लिए कोर्स होने वाला है। अब कोई भी एक कोर्स में मैं आपको फ्री में एनरोल करके दिखा देता हूँ। आप इनमें से कोई भी कोर्स में एनरोल करते हो एंड कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ओरेकल की तरफ से फ्री सर्टिफिकेट मिलने वाला है दोस्तों, साथ ही साथ ये नॉलेज भी आपको टोटली फ्री में मिलने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो जैसे मुझे एसक्यूएल का कुछ भी नहीं आता है, बेसिक्स मुझे सीखना है, तो डाटाबेस फॉर डेवलपर फाउंडेशन का ये जो पहला कोर्स है उसमें मैं आपको साइन अप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या क्या सीखने मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स देखने मिल जाते हैं, आपको टेबल्स कॉलम्स डाटा टाइप्स डाटा मॉडलिंग टेबल्स कॉलम्स एंड मॉडलिंग रिव्यूज के बारे में सिखाया जाएगा, साथ ही साथ सिलेक्ट जॉइंट एंड ग्रुप बाय रिव्यू इंसर्ट एंड कमिट अपडेट एंड ट्रांजेक्शन डिलीट एंड ट्रंकेट अपडेट एंड डिलीट रिव्यू। इस तरह से आपको इस तरह का इसका मॉड्यूल्स होने वाले हैं। आप देख सकते हैं टोटल आपको 12 मॉड्यूल्स देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट हो एंड अगर आपको वो क्लियर करना है तो यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। ये कोर्स जो होने वाला है टोटली फ्री होने वाला है, आपको यहाँ देखने मिल जाता है। आप इस कोर्स को कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जब चाहे तब कोर्स में स्टार्ट कर सकते हो, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है कि आपको यहाँ पे बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल एंड वर्किंग विद ओरेकल डाटाबेस के बारे में सीखने मिल जाएगा। 30 मिनट्स पर वीक देते हो आप, तो ये जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको फॉर्मेट देखने मिल जाता है कोर्स में, आपको वीडियो डिजाइन कॉम्बिनेशन देखने मिल जाते हैं, कोडिंग ट्यूटोरियल देखने मिल जाते हैं, साथ ही साथ क्विजेस मिल जाते हैं आपकी नॉलेज एनहांस करने के लिए। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स देखने मिल जाती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको इस कोर्स का कंप्लीशन पे सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मिलने वाला है, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मिलने वाला है, जो कि आपके लिए और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है।
अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल कैसे करना है। तो सबसे टॉप में आना है, हमें साइन इन एंड टेक क्लास का ऑप्शन देखने मिल जाता है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। अगर आपका ओरेकल प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं। मैं न्यू यूजर हूं तो मुझे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। क्रिएट अकाउंट पे मुझे अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होंगी, वो जैसे ही मैं फिलअप कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। यहाँ पे आपको फॉर्म देखने मिल जाता है, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंट्री, जॉब टाइटल, वर्क फोन, कंपनी नेम, इस तरह से आपको ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपने अपने कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज का नाम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी नेम में भी कॉलेज का ही नाम आपको ऐड करना है। यहाँ पे जॉब टाइटल में आपको स्टूडेंट ऐड करना है एंड कंपनी नेम में कॉलेज का नाम ऐड करना है। इस तरह से मैं आप फॉर्म भर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं जैसे ही फॉर्म फिलअप कर देता हूँ एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अपना वेरीफाई ईमेल करवाना होगा, ईमेल को वेरीफाई करवाना होगा। तो मैं अपने ईमेल पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस का ऑप्शन देखने मिल जाता है। मैं जैसे ही उस पर क्लिक करता हूँ मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, योर अकाउंट इज रेडी टू यूज, मुझे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। मैं जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे कोर्स के पेज पे आ जाऊंगा मैं, जहाँ पे मैंने कोर्सेस किए थे। दोस्तों, ये मेरा वेब पेज आ जाता है ओरेकल का, मुझे वापस कोर्स पे जाना होगा एंड वहां पे इनरोल करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप साइन इन हो जाते हो, आपको कोई भी एक कोर्स पे जाना है जिसमें आपको इनरोल करना है। जैसे मैं एक कोर्स में आपको इनरोल करके दिखाने वाला था तो आपको साइन इन एंड टेक क्लास पे क्लिक करना है। तो मैं साइन इन ऑलरेडी कर चुका हूँ, अभी मुझे टेक क्लास पे क्लिक करना होगा। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे सामने कुछ इस तरह का वेब पेज अपियर हो जाने वाला है। यहाँ पे आपको क्विजेस देखने मिल जाते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे क्विजेस हो चुके हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, न्यू क्विजेस भी इसमें अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्कआउट सेक्शन देखने मिल जाता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो वर्कआउट सेक्शन में जो जो इंक्लूडेड है, जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, एडवांस पीएल एसक्यूएल, जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वहां पे आपको उसको देखने मिल जाता है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको सिंपली क्लासेस सेक्शन में जाना है, क्लासेस सेक्शन में जो आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए गए हैं वो उसे कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल देखने मिल जाते हैं, डाटाबेस फॉर डेवलपर फाउंडेशन, इस तरह से आपको जो भी मॉड्यूल्स देखने मिल जाते हैं आपको सिंपली उन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना होगा। जैसे मैं डाटाबेस फॉर डेवलपर फाउंडेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये कोर्स मेरा सिलेक्ट हो जाता है। आपको डिफिकल्टी देखने मिल जाती है, बिगनर लेवल की डिफिकल्टी है, यहाँ पे जो मॉड्यूल्स दिए गए हैं वहां पे आपको कंप्लीट करने होंगे। दोस्तों, आप जैसे ही इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी पर। तो इस तरह से ये पूरा कोर्स होने वाला है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अगर आप ओरेकल का फ्री सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल डाटाबेसेस के बारे में सीखना चाहते हो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।